दोस्तों आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम प्रोफेसर अभय दुबे से बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में, उभरते हुए कुछ मुद्दों के बारे में, जैसा कि हम रोज करते हैं। अभय सर नमस्कार। आज इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है कि जो सरकार है वो इस इरादे पे है कि वो जो अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण होता है उसको भी दो हिस्से में बांट दे। ऐसा एक प्रयोग नीतीश कुमार पहले बिहार में भी कर चुके हैं, और हम सब जानते हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के पास एक बनी बनाई रपट है जिसके आधार पर वो ओबीसी रिजर्वेशन को भी दो हिस्सों में बांट सकती है। आपको क्या लगता है कि चुनाव के लिहाज से ये एक अलग तरह की कोशिश है नरेंद्र मोदी की वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, क्या इसको उनको फायदा होगा? देखिए, इस जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तेलंगाना की जो माडेगा अनुसूचित जाति है उसने सरकार को ये प्रतिवेदन दिया है कि वो जो अनुसूचित जातियों का आरक्षण है उसमें उनके उन्हें अलग से कोटा प्रदान करे। हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो बड़ी अनुसूचित जातियां हैं, माला और माडेगा। माला उसमें ज्यादा प्रभुत्वशाली है और माडेगा जाति उतनी प्रभुत्वशाली नहीं है, और उन दोनों के बीच में बड़ा पुराना विवाद है, यहाँ तक कि इन दोनों के बीच में एक आध बार हिंसा भी हो चुकी है। तो ये पूरा प्रकरण बताता है कि जो अनुसूचित जातियों में जातियां हों या ओबीसी जातियां हों, उनके अंदर वे छोटी जातियां, वे अपेक्षाकृत कमजोर जातियां जिनको ना आरक्षण का लाभ मिला है ना राजनीतिक सशक्तिकरण उन तक पहुंचा है, उनके अंदर काफी बेचैनी है और वो किसी ना किसी रूप से अपने साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार चाहती हैं। वो चाहती हैं उसकी भरपाई हो, और उसके लिए वो विभिन्न तरीके अपना रही हैं। वे न केवल चाहती हैं कि उनको जो आरक्षित प्रतिशत है उसके अंदर से उनको उनका स्थान सुरक्षित कर दिया जाए कि इतना इतना प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन्हें अनिवार्य तौर पर मिलेगा ही, और दूसरी तरफ वो ऐसी पार्टियों की भी तलाश में है जहां वे आरक्षण और ओबीसी और दलित राजनीति के ऊपर जो हावी, पहले से हावी राजनीतिक दल और सशक्त समुदाय हैं, उन समुदायों के मुकाबले अपनी राजनीतिक गोलबंदी सफलतापूर्वक कर सकें। तो ये प्रक्रिया आंध्र प्रदेश में भी हो रही है, ये प्रक्रिया बिहार में भी हो रही है, और ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। पहली तो इसको समझना जरूरी है, ये बाकायदा एक सामाजिक प्रश्न है जिसका सीधा सीधा संबंध राजनीति, आरक्षण और सशक्तिकरण के प्रश्न से है। अब सवाल ये है कि सरकार से कर पाएगी नहीं कर पाएगी, थोड़ा मुश्किल है इस काम को करना, क्योंकि पहले कई बार कई प्रदेशों में इस तरह करने की कोशिश की गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। लेकिन अगर केंद्र सरकार पहली बार इस काम को करने का प्रयास करेगी तो हो सकता है उसको एक हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हो। अब केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में इतिहास क्या है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये कोशिश करती रही है कि दलित जातियों का एक बड़ा हिस्सा, जो प्रभुत्वशाली दलित जाति है जैसे कि जाटव, उसके नेतृत्व से बाहर निकले। इसी तरीके से ओबीसी जातियों में जो कमजोर यानी अति पिछड़ी जातियां हैं उनका एक बड़ा हिस्सा यादव जाति के नेतृत्व से बाहर निकले, इसकी कोशिश वो लगातार करती रही है। और जब राजनाथ सिंह 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के जरिए इस तरह के रजिस्टर बनवाए थे ताकि ऐसी जातियों का जो कि कमजोर हैं, बिखरी हुई हैं, इनके पास सशक्तिकरण नहीं पहुंचता है, उनका एक तरह से एक सर्वेक्षण हो सके और उस रजिस्टर के आधार पर कुछ नीतियां बनाई जा सके। लेकिन उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर पाई। हुकुम सिंह कमेटी उन्होंने बनाई थी, आपको याद होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी कमेटी भी बना रही है, कमीशन भी बना रही है, लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस पूरे मसले को कानूनी रूप दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ वो इसके समांतर
ऐसी जातियों की जो कि अति पिछड़ी हैं और अति दलित हैं, गोलबंदी का एक कार्यक्रम भी चला रही है, अभी से नहीं लंबे अरसे से चला रही है। वो उसी लिहाज से इन पार्टियों के लोगों को टिकट देती है, उनको संगठन में भी स्थान देने की कोशिश करती है। तो एक तरफ तो, और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अभी सामने आई नहीं है, लेकिन जो खबरें मिली हैं उससे लगता है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि करीबन अति पिछड़ी ऐसी जातियां 30% तक हो सकती हैं, और ये 30% जो है बहुत बड़ी संख्या है। जिस जो पार्टी इन 30% मतदाताओं को अपनी ओर खींच लेगी वो उस पार्टी की तो राजनीति में चुनावी राजनीति में सफलता के लिहाज से बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, दोनों तरफ से होड़ जारी है। देखिए 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम छोटी छोटी जो पिछड़े वर्ग की पार्टियां थी वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई थी, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी को इस लिहाज से करीब 111 सीटें भी प्राप्त हुई। तो दोनों तरफ से पेशबंदी जारी है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि भाजपा इस पेशबंदी में बाकी पार्टियों से एक कदम आगे है, और वो कई मुकामों पर समांतर रूप से राजनीतिक गोलबंदी भी कर रही है और साथ में सत्ता में होने का लाभ उठाकर कानूनी पहलकदमी भी कर रही है। अभी कानूनी पहलकदमी कहां तक जाती है, जैसे कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे हुए काफी दिन हो गए हैं, अभी तक ना तो उसके ऊपर किसी अमल की कोई बात सामने आई है और ना ही उसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए। हाँ ये बात जरूर हुई है कि उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर जो अपना राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें उन्होंने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की, और विश्वकर्मा योजना कारीगर ओबीसी जातियों के लाभ के लिए बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने का लाभ उठाकर ऐसी जातियों और ऐसे वोटिंग समुदायों के ऊपर वोटिंग समुदायों को अपनी ओर खींचने के लिए एक सकारात्मक पहलकदमी कर रही है। लेकिन क्या इसका प्रभाव भाजपा के पक्ष में उन राज्यों में भी पड़ सकता है जहां वो पहले से कमजोर है, मिसाल के तौर पर दक्षिण भारत में? और क्या इसके प्रभाव स्वरूप यह भी हो सकता है कि जो मजबूत दलित जातियां हैं वो फिर से बसपा की तरफ मजबूत वापस लौट जाएं, अगर बसपा सही तरीके से खुद को प्रस्तुत करे तो? यानी कि क्या इसका व्यवहारिक राजनीति की मेरी समझ ये कहती है कि इस प्रकार की नीतियों का प्रभाव उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है और ढंग से होता है जिन क्षेत्रों में पहले से भारतीय जनता पार्टी या वो पार्टी जो कि इस कदम उठा रही है वो मजबूती से जमी हुई है। जिन क्षेत्रों में उसका सांगठनिक प्रभाव नहीं है उन क्षेत्रों में इन पार्टियों का प्रभाव नहीं पहुंचता। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं, महिला सशक्तिकरण के सवाल। अब आप देखिए आमतौर पर ये माना जाता है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की किसी भी अन्य पार्टी के मुकाबले स्त्रियों के वोट ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से मजबूत नहीं है या बार बार चुनाव हार जाती है वहां आप देखेंगे कि महिलाओं के वोट उसको कम मिलते हैं और जो पार्टी चुनाव जीतती है उसको ज्यादा मिलते हैं। आप दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को महिलाओं के वोट भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा मिलते हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा बहुत ज्यादा वोट प्राप्त करती है। पूरे दक्षिण भारत में आप पंजाब में देख लीजिए वहां पर नहीं मिलते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है। तो भाजपा जहां मजबूत होगी वहां वो अपने वोटों को इन कदमों से बढ़ा सकती है, लेकिन जहां पर पहले से उसकी पैठ नहीं है और मजबूत नहीं है वहां मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा असर पड़ेगा। एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ मेरे मन में ये भी आता है कि क्या इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है, जो श्रेणीकरण है या उपश्रेणीकरण है, क्या पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो क्या इसमें इतनी क्षमता है कि वो किसी राज्य के चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ दे? मिसाल के तौर पर मराठा को लें या फिर हम गुजर आरक्षण के मसले को लें राजस्थान में, तो उन सब मसले से चुनाव का पूरा पासा नहीं पलटा, शायद वो एक कारक के रूप में खो रहा है। एक उदाहरण तो मैं राजस्थान का आपको बता सकता हूँ। राजस्थान में जाट समुदाय पारंपरिक रूप से कांग्रेस को वोट देता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राजस्थान के जाटों को आरक्षण प्रदान कर दिया। उसका परिणाम ये निकला कि राजस्थान के जाट भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो गए और भारतीय जनता पार्टी अधिक तत्परता से और बारंबारता के साथ में कांग्रेस को चुनाव में हराने लगी। मतलब एक उदाहरण जो मुझे दिखाई पड़ा वो मैंने आपको बताया। और जब तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसमें दोनों तरह के असर हो सकते हैं कि इसका असर पड़ भी सकता है और इसका असर नहीं भी पड़ सकता है, दोनों ही बातें हैं। अगर किसी राज्य में खास तौर से होशियारी के साथ में मांग भी है किसी समुदाय में और उसकी मांग को कोई सरकार पूरा करती है तो उसके उस समुदाय के वोट उस सरकार की तरफ जा सकते हैं, उस पार्टी की तरफ जा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि वो बार बार उस तरफ जाएं, आगे हो सकता है कि वो किसी और तरफ चले जाएं। अब ये उस पार्टी की कुशलता पर निर्भर करता है
कि वो उस समुदाय में से महत्वपूर्ण नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर ले, अपने संगठन में जगह दे दे, उनके स्टेक्स जो है, उनका दांव जो है उस पार्टी के साथ जुड़ जाए, तब फिर स्थायी रूप से वो समुदाय उस पार्टी का दीर्घकालीन दृष्टि से वोटर हो सकता है। एक कोशिश ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी कर रहे हैं कि ओबीसी मतदाता उनकी तरफ आकर्षित हों। उन्होंने तीन राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री भी बना रखे हैं और जो संसद का विशेष सत्र हुआ उसमें बार बार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी और आज भी इस पर जोर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, मिलता हुआ नजर आता है? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर आप छोड़ दें और एक आध और प्रांत को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कांग्रेस को ओबीसी वोट मिलते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस दरअसल ओबीसी जातियों की पसंदीदा पार्टी है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में और भी जगहों पर कांग्रेस ओबीसी जातियों की यही पसंदीदा पार्टी है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ओबीसी जातियों की पसंदीदा पार्टी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस, भाजपा को भी ओबीसी वोट मिलते हैं तो कांग्रेस को भी ओबीसी वोट मिलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर बहुत 60 के दशक के बाद से ओबीसी वोट कांग्रेस को नहीं मिलते, कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हैं। बिहार में भी धीरे धीरे करके कांग्रेस के पास से ओबीसी वोट चले गए हैं। सवाल यह है कि क्या इन प्रदेशों में जहां ओबीसी वोट कांग्रेस से निकल गए हैं वो क्या कांग्रेस के पास वापस आएंगे? मुझे इसमें शक है, क्योंकि वहां पर ओबीसी वोटों की प्रतियोगिता में जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं ऐसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य प्रतियोगिता है, कांग्रेस उस प्रतियोगिता में कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूं, केवल उन प्रांतों में या उस राजनीतिक जमीन पर जहां आपका सांगठनिक असर है, जहां आपका सांगठनिक असर है और जहां आप मजबूती के साथ में जमे हुए हैं, केवल वहीं आपको इस प्रकार के कदमों का लाभ मिलता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सांगठनिक रूप से बहुत कमजोर है। बिहार में कांग्रेस एक बड़े मोर्चे की सदस्य जरूर है लेकिन उसकी अपनी सांगठनिक हैसियत बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर उनकी बहुत ज्यादा सांगठनिक हैसियत होती तब वो राहुल गांधी की इन अपीलों का, इस तरह के कामों का और इस तरह के कदमों का लाभ उठा सकती थी। लेकिन जैसे क्या ये कहा जा सकता है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के पिछड़े वोटर हैं, उनके मन में कांग्रेस के प्रति संदेह कम होगा, आकर्षण बढ़ेगा कि ये भी तो हमारी बात कर रहे हैं, ये असर पड़ सकता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर जैसे बिहार में तो वो ऑलरेडी पहले से ही इनके गठजोड़ में है, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से वो गठजोड़ कर चुकी है, तो कांग्रेस के प्रति इस तरह के वोटरों में दोनों प्रांतों में मित्रता की भावना होगी। लेकिन वहां उनकी राजनीति जम चुकी है, उनकी राजनीतिक पार्टियां पहले से मौजूद हैं जो उनको सीधे सीधे सत्ता में हिस्सेदारी देती हैं और देती रही हैं। इसलिए कांग्रेस के पास इन मतदाताओं को जाना अब मुझे फिलहाल नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। एक और चीज राहुल गांधी ने आज के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो मंत्रियों की संख्या दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, असल में किसी भी ओबीसी मंत्री के पास कोई मजबूत मंत्रालय नहीं है। आपको क्या लगता है कि विश्लेषण सही है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, उनकी सरकारों के संदर्भ में? ये तो तथ्यगत बात है, अगर उन मंत्रियों के मंत्रालयों को देखें तो बात अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी ने ये ठीक ही कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसका चरित्र यह है कि जिन मंत्रियों के पास मजबूत मंत्रालय भी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा वहां भी उनकी चलती होगी। सारी चीजें प्रधानमंत्री कार्यालय से नियंत्रित और विनियमित होती हैं, वहीं से सारा कुछ कंट्रोल एक ही जगह मौजूद है। और कुछ मंत्री ऐसे जरूर हैं जो कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंत्रालयों में काम करते हैं, जैसे उसमें नितिन गडकरी एक हैं उसमें, तो कुछ मंत्री हैं इस तरह के जो करते होंगे, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है और पूरी सरकार मजबूती के साथ में दो व्यक्तियों के हाथों में है जिनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और जो प्रधानमंत्री का दफ्तर है वो बिल्कुल इन मंत्रालयों को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में रखता है। आप एक मंत्री के बाद दूसरे मंत्री का नाम नहीं याद कर पाए तो मुझे थोड़ी हंसी आई। शायद राजनाथ सिंह का नाम हल्के से हम लोग ले सकते हैं कि वो भी थोड़ा सा राजनाथ सिंह जी वरिष्ठ मंत्री हैं, और भी एक दो मंत्री हैं जो कि अपने मंत्रालयों में अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस केंद्र सरकार में किसी मंत्री के लिए ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश है नहीं। कल एक घटना घटी थी जो आज चर्चा में आई और मैंने वो वीडियो देखा, शायद आपने भी देखा हो, कि जो रमेश विधुड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो काफी खुले अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे दानिश अली के लिए,
और पीछे हर्षवर्धन हंस भी रहे थे, हालांकि मामला काफी तूल पकड़ चुका है, सब लोग सफाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़ा जो ट्रेंड है उसी का एक रूप है, जहां कभी मुस्लिम विद्यार्थी को पिटवाया जाता है, सांसद खुले रूप में बोलते हुए लिहाज नहीं करते हैं, क्या ये जो, और जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और वियतनाम में जाकर वो बोले कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति शायद भारत को संवेदनशील बनना चाहिए, क्या उन सब चीजों को एक परिप्रेक्ष्य हम देख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत तौर पर ये कोशिश है, रणनीतिक तौर पर ये कोशिश है कि भारत का जो मुसलमान समुदाय है उससे उसकी वो राजनीतिक पहलकदमी को छीन ले, और इसके लिए उसके पास एक सिक्काबन तरीका है जिसमें कई जगह वो कामयाब भी हुई है कि वो हिंदुओं की गोलबंदी को इतना ज्यादा बढ़ा दे ताकि मुसलमानों के वोटिंग की प्रभावकारिता समाप्त हो जाए। अगर हिंदुओं की गोलबंदी 45% या उससे ऊपर चली जाएगी तो मुसलमान किधर भी वोट देते रहे, 100% मुसलमान किसी तरह वोट दे दे तो उससे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, वो चुनाव नतीजों को प्रभावित करने में अक्षम रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, गुजरात में उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, कुछ और राज्यों में भी वो ऐसा करना चाहते हैं लेकिन अभी तक शायद नहीं कर पाए हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही ज्यादा वो ऐसा कर पाए हैं। अब ये जो तरीका है अपशब्द बोलने का, तो ये तो इसकी आप ये एक सिलसिला है, आप संसद में मुसलमान जो सांसद है या विधानसभा में जो मुसलमान विधायक है उसकी लिंचिंग तो नहीं कर सकते, तो वहां पे आप शब्द बोल रहे हैं, समाज के बाहर में तमाम हिंदुत्ववादी शक्तियां कभी गोरक्षकों के रूप में, कभी घर वापसी के पैरों का घर वापसी के कार्यकर्ताओं के रूप में, कई जगह मुसलमानों की लिंचिंग वगैरह भी होती रही है। तो मुस्लिम समुदाय को भयाक्रांत करके उन्हें कोने में धकेलने की नीति पिछले 9 साल से आजमाई जा रही है, उसके बहुत से रूप हैं, उसके कई रूप हैं, और भाजपा के एक सांसद से ये एक रणनीतिक गलती हुई है कि लोकसभा में ऐसा बोलकर उन्होंने अपनी पार्टी को ही रक्षात्मक कर दिया है और पार्टी ने थोड़ा बहुत उनको अनुशासित करने का कदम भी उठाया है जो कि बहुत ही नरम किस्म का है। उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं उस लिहाज से तो उनको पार्टी की उनकी सदस्यता छीन लेनी चाहिए और उन्हें लोकसभा की सदस्यता से भी बर्खास्त करने की कार्रवाई चलानी चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके एक मुंह दिखाई जरूर की गई है वहां पर कि उनको अनुशासित किया जा रहा है या उनको बरजा जा रहा है इस तरह की बातें कहने से। तो ये कुल मिलाकर जो एक माहौल बना हुआ है उसी पैटर्न का एक हिस्सा। कई बार ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर किसी को संगठन में ऊपर जाना है तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको सुविधा होती है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा इसका उदाहरण है, और हो सकता है कि बिजुड़ी को भी कोई बड़ा पद मिल जाए 3-4 महीने बाद, तो ये भी एक पैटर्न है भाजपा। इसमें ये है कि आप किस मंच पे ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा करते समय सतर्कता पूर्वक मंच का चुनाव करना होगा, अगर आप मंच का गलत चुनाव करेंगे तो फिर वो आपके पक्ष में इतनी बात संगठन के अंदर नहीं जाएगी, संगठन में भी माना जाएगा कि ये असावधान व्यक्ति है और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को अगर हम ज्यादा ऊपर ले जाएंगे तो इससे हमें लाभ नहीं होगा। विधुड़ी को वह संसद में इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बाहर तो इससे ज्यादा ऐसी बातें अनुराग ठाकुर भी बोल चुके हैं, तुर्की तो लगातार राजनीति में प्रगति हो रही है लेकिन वो चुनाव मुहिम के दौरान बोले थे, अगर वो संसद में इस बात को बोलते तो फिर उसका असर दूसरे किस्म का पड़ता। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और फिर से देश की राजनीति और राजनीति से जुड़े मसले पर बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर हम देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करते हैं। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।